नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके संग प्रद्युम्न शर्मा। नया साल आने वाला है और कोरोना जैसी खट्टी यादों के साथ ये साल जाने वाला है। आज हम आपके सामने पेश हुए हैं जहां पर 2020 में क्या क्या हुआ वो आपके सामने सारी बातें रखेंगे और 2021 में क्या होना है वो भी आप तक जरूर जानकारी पहुंचाएंगे। भारती, जिस तरीके से 2020 की अगर हम खासतौर पर बात करते हैं तो मार्च से ही कोरोना आ गया था, लगातार 5 से 6 महीना कोरोना चला। ऐसे में लॉकडाउन में काफ़ी स्थिति भी लोगों की खराब हुई, परेशानी सामने लोगों के सामने आई, ऐसे में पैसे की दिक्कत भी सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। उसके बाद किसानों का प्रोटेस्ट यहां पर चालू हो गया। तो किस तरीके से आप 2020 पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है 2020 का साल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार घटनाएं घटित हुई हैं तो ऐसे में बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, ऐतिहासिक है ये, अपने आप में ऐतिहासिक है और अब हम एक नए दशक में शामिल होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत ही शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को कि हम नए दशक में शामिल होने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि 2020 को हम कड़वी यादों के साथ जरूर देखेंगे, लेकिन 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने सीखी हैं इस 2020 में, और अब 2021 में उन्हीं सब चीजों को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से हम अपने नए साल का स्वागत करते हैं और इस साल में किस तरीके से हम अपनी सारी चीजें जो है वो करते हैं, ये बहुत अहम हो जाएगा। जहां तक बात आपने कोविड की कही, तो हाँ, आपने सही कहा कि कोविड जो है वो इंडिया में जो है वो मार्च से प्रखर रूप से आ गया था, जहां पर हमारा लॉकडाउन जो है वो शुरू हो गया था। लेकिन 31 जनवरी की बात करें तो उसी दिन से जो है वो यहां पर हिंदुस्तान में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी थी, और उसके बाद जो है वो कंटिन्यूस जो है वो केसेस आते रहे, और फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद तमाम तरीके की जो कोशिशें हैं वो की जा रही थी ताकि कोविड से बचा जा सके। हालांकि हमारे देश ने बहुत सी जान गंवाई है, न सिर्फ देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने कोविड के चलते बहुत से लोगों को खोया है, अपनों को खोया है। तो ऐसे में ये बहुत दुखद जरूर रहा, लेकिन इस पूरे काल में, कोरोना काल में, इस पूरी महामारी में जिस तरीके से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, चाहे वो हाइजीन को लेकर है, चाहे वो फैमिली टाइम बिताना है, चाहे वो आपकी लोगों की हेल्प करना है, दान पुण्य करना है, तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं वो हिंदुस्तान ने, न सिर्फ हिंदुस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने सीखी हैं। तो हम इस साल को जितना हम दुखी मन से जो हैं वो याद करेंगे, उसी उतने ही लेवल से मुझे लगता है कि हमें शुक्रिया अदा भी करने चाहिए, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा भी है इस पूरे। बिल्कुल, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी शख्स हो या फिर साल हो, जब वो जाता है तो बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। 2020 की बात करते हैं तो 2020 ने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पर दिए हैं कि पैसा ही सब चीज़ नहीं होता, यहाँ पर अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी लो होती है तो आप खुद इस बात से वाकिफ़ हैं कि कोरोना कितनी जल्दी आपके ऊपर प्रभाव करता है। ऐसे में बहुत सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे हैं, ऐसे में लगातार एक्सपीरियंस को समझना चाहिए, और 2020 के एक्सपीरियंस से हमको 2021 में जरूर मदद मिलेगी, क्योंकि कोई ना कोई एक्सपीरियंस, कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो मददगार साबित होता है। भारतीय, अगर हम बात करते हैं मार्च से लेकर करीबन जुलाई तक का ये सफर रहा कोविड का, ऐसे में लॉकडाउन भी रहा, जहां पर अगर हम बात करते हैं मजदूरों की जो अपने घर नहीं जा पा रहे थे, 200 किलोमीटर का सफर उन्होंने पैदल तय किया, तो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण था। और ऐसे में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की यहाँ पर मृत्यु बताई जाती है। तो जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो दर्द, और 2020 का जो दर्द रहा है वो तो नहीं भूला जा सकता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 2020 में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसका एक्सपीरियंस 2021 में जरूर काम आएगा। बिल्कुल काम आएगा। और जहां तक बात आपने किसानों की और जो लोगों की, जो लोग यहां पर मजदूर वर्ग के लोग थे और वो अपने घर वापस जब जा रहे थे, तो एक लंबा समय जो है, एक लंबा सफर उन्होंने तय किया है एक लंबे समय में, और अब बहुत दुखद था और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में एक चीज जरूर हम इसको अगर हम पॉजिटिव तरीके से लेना चाहें तो इसमें एक चीज जरूर पता चलेगी कि जो पलायन होता है, ऐसे में जरूरी यह होता है कि आप तमाम रोजगार जो है वो अपने राज्य में ढूंढें, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है वो आपके राज्य में मिल सके। तो पलायन वाली एक जो स्थिति रहती है उसके ऊपर रोशनी जरूर इस कोविड ने डलवाई, और साथ ही जिस तरीके से लोग अपने घरों की तरफ वापस जा रहे थे, तो इसमें यह भी पता चलता है कि आप जो है अपने परिवार, अपने देश, अपने राज्य की तरफ जो है वो किस तरीके से मूव कर रहे
थे। तो ये बहुत सारी चीजें जो है, हर प्रद्युम्न मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। तो हम हर चीज को दो तरीके से ले सकते हैं। जहां पर अगर हम कोविड की पॉजिटिव बातें करें तो उसमें ये था कि हमने तमाम चीजें सीखी। अगर हम कोविड की नेगेटिव बातें करें तो उसमें लोगों ने कितनी नौकरियां खोई हैं, पूरा देश गवाह है कि किस तरीके से इस देश में जो है वो नौकरियां खोने का सिलसिला जो शुरू हुआ, उसके बाद लोग बेरोजगार हो गए और तमाम परेशानियां, लोगों ने सुसाइड किया, बहुत सारी ऐसी चीजें जो सामने देखने को मिली। और न सिर्फ कोविड बल्कि और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। अगर हम जुलाई तक की बात कर रहे हैं तो उसमें जून में अगर हम बात करें तो 15 से 16 तारीख की वो जो रात थी जब गलवान घाटी में जो चाइना के साथ जो झड़प हुई उसमें हमारे करीब 20 जवान जिसमें कर्नल भी शामिल थे वो शहीद हो गए। तो बहुत सारी चीजें खोई हैं हमने, बहुत सारा बुरा वक्त भी इस पूरे साल में देखा है। इसलिए 2020 को, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि 2020 जो है वो ऐतिहासिक साल है। इस साल में पूरी दुनिया ने वो देखा है जो हमने शायद पिछले काफी सालों में, काफी दशकों में नहीं देखा। तो ये बहुत अहम है कि इस साल को हम ऐतिहासिक तरीके से याद जरूर करेंगे, बेशक दुखद तरीके से शायद याद करें, लेकिन ये साल जो है वो याद किया जाएगा। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि 2021 में, अब जो साल आने वाला है 2021 का जो साल होगा वो अब काफी एस्पेक्ट्स में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमने 2020 से बहुत कुछ सीख लिया है। तो हमें लगता है कि 2021 में हम उन सब चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे वो कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो है या तमाम चीजें हैं, क्योंकि अब नया स्ट्रेन, प्रद्युम्न हम जानते हैं किस तरीके से नया स्ट्रेन आया जिसके चलते अब 25 से ज्यादा लोग जो है वो इससे संक्रमित हो गए हैं। तो बहुत जरूरी होगा कि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा गाइडलाइंस को फॉलो करें और जो 2020 से हमने सीखा है उसे 21 में इंप्लीमेंट करें। बिल्कुल भारती, इंप्लीमेंट करना तो बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर अगर हम 2020 की हमने बात की, लेकिन अब बात करते हैं 2021 की कि आने वाले साल में आपको क्या करना है, क्योंकि वो तो आपका पास्ट हो गया 2020। फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण ये साल हो जाता है, क्योंकि 2022 में यूपी में खासतौर पर इलेक्शन है, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी जोर लगा देंगी पूरा। और ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या क्या नए गठबंधन होते हैं, किस तरीके से रणनीति अपनाई जाती है। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था वाकई में काफी 2020 में चरमरा गई थी, उसको बेहतर करने के लिए सरकार यहाँ पर काम कर रही है। रोजगार भी अब लोगों को मिलना शुरू हो गया है, जो हमारी गाड़ी थी वो पटरी से उतर गई थी, वो पटरी पे आना फिर से एक बार शुरू हो रही है। ऐसे में लगातार व्यवस्था यहाँ पर बनती हुई जा रही है। 2021 को बेहतर बनाने के लिए हर कोई यही प्रयास करेगा कि जो सफलता वो 2020 में चाहता था वो उसको नहीं मिल पाई, चाहे कोई भी कारण रहा हो, वो 2021 में उस तक पहुंचे, मेहनत करे। और खासतौर पर स्वस्थ रहना तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आप अभी जिक्र कर रही थी कि कोविड तो चल ही रहा है लेकिन अब स्ट्रेन भी नया आ गया, 25 मरीज मिल चुके, तो ना जाने उन 25 लोगों ने कितने लोगों को संक्रमित भी किया हुआ है, ये भी बहुत जानना जरूरी हो जाता है। कि पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कई तरीके की खबरें सामने आती है कि अब ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, और ऐसे में पंजाब, दिल्ली और गोवा तक सीमित रहने वाली पार्टी आप पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा यहां पर कर चुकी है। तो ऐसे में 2021 बहुत अहम हो जाता है भारती। बिल्कुल 2021 अहम हो जाता है। 2020 में हमने जिस तरीके से बिहार में इलेक्शंस देखे, कोविड के चलते कितनी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पूरे इलेक्शंस करवाए गए, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी प्रद्युम्न। और अब जो है 2021 में बंगाल में इलेक्शन है, उसके बाद सही कहा आपने 2022 में जो इलेक्शन है उसकी पृष्ठभूमि जो है वो 21 से शुरू होगी। तो यूपी में जो इलेक्शंस होंगे वो, क्योंकि देश के यूपी के इलेक्शंस देश के इलेक्शंस को इफेक्ट करते हैं, देश के लोगों को, हर राज्य को इफेक्ट करते हैं, तो ऐसे में जो पृष्ठभूमि जो शुरू होगी, बननी शुरू होगी वो 2022 की, वो 21 से ही शुरू होगी, तो बहुत अहम हो जाएगा। ऐसे में आपका ध्यान प्रद्युम्न मैं स्पोर्ट्स की तरफ भी लेके आना चाहूंगी, क्योंकि स्पोर्ट्स अपने आप में बहुत अहम है। और जिस तरीके से इस पूरे साल में आईपीएल लीग खेली गई, और हालांकि वो यूएई में खेली गई, कोविड के चलते बहुत सारी गाइडलाइंस को फॉलो करके बहुत सारी चीजों को जो है वो ध्यान में रखकर इस पूरे खेल को खेला गया और मुंबई इंडियंस ने जो है इस पर अपना कब्जा जमाया। तो ये बहुत अहम हो गया कि किस कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो, इस बात को हम समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया मिलकर एक साथ खड़ी है, एकजुट होकर खड़ी है इस महामारी के अगेंस्ट। और यूएई में जब ये पूरे की पूरी लीग खेली गई तो जिस तरीके से पूरा फॉलो किया गया, कोविड की सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया गया, और कोविड के चलते जिस तरीके से हर चीज को ध्यान में रखते हुए हर मैच को जो है वो खेला गया, तो बहुत अहम हो जाता है स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स के लिहाज से भी ये पूरा साल बहुत अहम रहा। न्यूज़ ऑल इंडिया अपने सभी दर्शकों को 2021 की बहुत शुभकामनाएं देता है, लेकिन ऐसे में
में 2021 को बेहतर भी बनाना है। अगर हम विदेश की बात करते हैं तो विदेश से भी लगातार बड़ी बड़ी खबरें यहाँ पर सामने आई थी भारती। बिल्कुल, और विदेश से सबसे बड़ी खबर तो यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट, क्योंकि इलेक्शन हुए वहां पर और उसके बाद जो बाइडन ने ये पूरा का पूरा इलेक्शन जीता, तो ऐसे में एक महान हस्ती जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुर्सी से उतरे और जो बाइडन जो है वो कुर्सी उन्होंने हासिल की। तो ये भी इंटरनेशनल लेवल पर भी 2020 का जो ये पूरा पूरा साल था इस इंटरनेशनल चुनाव के लिहाज से भी बहुत अहम रहा। बिल्कुल, जिस तरीके से इंटरनेशनल चुनाव भी अहम रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने 2022 में, तो वो भी बहुत अहम हो जाता है। किसान का मुद्दा भी बहुत लगातार अहम चल रहा है, तो ऐसे ना जाने 2020 में कितनी कड़वी यादें हैं जो हर लोगों के जहन में हैं। वो यादें तो खैर नहीं जा सकती क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत लोगों ने अपने आप को खोया है, बहुत लोगों ने रोज़गार भी खोया है, लेकिन 2021 में उनकी भरपाई शायद हो सकेगी। 2021 को बेहतर बनाया जा सकता है और अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाकर कोरोना जैसी घातक बीमारी से भी लड़ा जा सकता है। बिल्कुल प्रद्युम, और बहुत ज़रूरी है कि अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग रखें ताकि कोविड जैसी बीमारी से लड़ सकें। और मुझे लगता है कि ये पूरा जो पूरा हमारी जो आज की पूरी चर्चा है जो वो ज़रूर फायदेमंद रही होगी ये जानने में कि 2020 में क्या कुछ हुआ और 2021 का किस लिहाज से हमें स्वागत करना है। तो ऐसे में हम सभी की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।